भगवान अभी नाम संस्कार हुआ नहीं है इसलिए मैं उनका नाम रखूंगा नहीं, वो गोकुल में पहुंच गए। समय चलता रहा, बाबा ने बहुत आनंद लुटाया, उत्सव मनता रहा, 14 दिन तक उत्सव मना। कंस बहुत परेशान था क्योंकि आकाशवाणी ने कह दिया था, अष्टभुजा भगवती ने कह दिया था कि तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। इसी समय उसके सामने बकासुर की बेटी पूतना चल करके आई और उसने बोला कि आप मुझे अनुमति दे दीजिए और इस बच्चे को मैं मार मूर करके आ जाऊंगी। इसने कहा आधा राज्य में तुझे दे दूंगा। पूतना चली मारने के लिए। वर्णन है कि कंसेन प्रहिताग घोरा पूतना बाल घातनी शिशुच जार निगनती पुरक ग्रामा प्रजा दिशु। पूतना अपनी छाती से विश्लेपन करती हुई वह चली और गोकुल में प्रवेश कर गई। सुनिए, भगवान अपने झूले में झूल रहे थे। यशोदा मैया इतनी भोली थी, इतनी सीधी थी, पूतना को पूछने लगी कि बहन तुम कहाँ से आई हो। पूतना ने कहा हम तुम्हारी मामा की छोरी हैं, हमें पतो लगो कि तुम्हारे घर में लला को जन्म भयो है तो बधाई देवे के दाएं हम चली आई। यशोदा इतनी सीधी है और बोली कि लला तुम्हा हुई है। अरे तुम हमारी बहन वहीं तो लला की मौसी, वहीं तो मौसी को तो अर्थ यही है जो माँ जैसी हो वो मौसी, लला तुम्हा हुई है, जाओ खिला लो, जाओ 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 खिला लो। यशोदा मैया ने अनुमति दे दी, पूतना पहुंची, भगवान झूले में थे। परमात्मा ने पूतना को देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया। 5 मिनट मुझे दे दो बस, फिर तो सर्वाभावे ना आप ऐसे बैठेंगे जैसे बिना फेविकोल के चिपका दिए गए। बस 5 मिनट दो ही मिनट दे दो। भगवान ने पूतना को देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया। क्यों बंद कर लिया? कुछ भाव तो सुखदेव भगवान ने बताए हैं, कुछ और तमाम महापुरुषों ने इसमें अपने भावों का वर्णन किया। 2-4 भाव मैं भी आपके बीच में रख दूं। शायद परमात्मा ने पूतना को देख करके इसलिए अपने नेत्रों को बंद कर लिया क्योंकि पूतना थी राक्षसी और वह मौसी बन करके आ गई, स्वर्ग देवी बन करके आ गई। परमात्मा कहना चाहते हैं कि जैसे हो मेरे दरबार में वैसे ही हो आ जाओ, यदि नकली बन करके आओगे तो तुम्हें देख करके मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूँगा। इसलिए परमात्मा ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। आप भी नहाने के बाद में दुनिया भर के क्रीम की डिब्बियाँ खाली कर देते हो, लीपापोती इतना करते हो। ग्रंथ तो ये कहता है कि नहाने के बाद जैसे आप हैं वैसे ही भगवान को पहली धोख लगाओ। भगवान के दर्शन करने से पहले ना तेल की ज़रूरत है, ना कंगा चुटीला की ज़रूरत है। जैसे हो वैसे ही प्रथम दर्शन भगवान का वैसे ही कीजिए। परमात्मा के दरबार में वन ठन करके जाने की बात जरूरत नहीं है। यदि ऐसा हम करेंगे तो परमात्मा हमें देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लेगा। पूतना वन ठन करके गई थी, थी कुछ और, बनी कुछ और, इसलिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। दूसरा भाव इसका यह है कि भगवान ने इसलिए भी अपने नेत्रों को बंद कर लिया क्योंकि पूतना पापनी है, बच्चों को मारती है, जीवों की हत्या करती है। भगवान कहना चाहते हैं जिनके जीवन में हिंसा होगी, जो जीवों को मारेंगे, उनकी शक्ल मुझे प्रिय नहीं है, उनको देख करके मैं अपने नेत्र बंद कर लेता हूँ। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। तीसरा भाव पूतना वासना का रूप है। पूतना वासना है और वासना बिना उपासना के समाप्त होती नहीं है और उपासना करने के लिए नेत्र बंद किए जाते हैं। शायद परमात्मा ने वासना को समाप्त करने के लिए नेत्र बंद करके उपासना की होगी, इसलिए ठाकुर जी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अगला भाव इसका यह भी है कि परमात्मा ने सोचा मेरे दरबार में तो जन्म जन्मांतर का तपस्वी चल करके आता है, पूतना पापनी है तो ये फिर मेरे दरबार में आके ऐसे गई। शायद भगवान ने नेत्र बंद करके इसके पूर्व चरित्र को देखा होगा, सोचा होगा ओहो मैं बामन बन करके जब राजा बलि के दरवाजे पर गया, रे ये तो राजा बलि की बेटी रत्नावली है जो मुझको देख करके बोल रही थी कि बालक कितना सुंदर है, यदि मेरे हाथ आ जाए तो छाती से लगा करके इसको दूध पिलाऊंगी। लेकिन जब मैंने वली का नापना शुरू किया तो ये कहने लगी बड़ा खतरनाक है, मेरा बस चले तो इसको जहर दे करके समाप्त कर दूंगी। तो परमात्मा ने नेत्र बंद करके इसके पूर्व के भाव को देखा, इसलिए ठाकुर जी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने इसलिए भी अपनी आंखों को बंद कर लिया। भगवान ने सोचा कि मैं तो ब्रजमंडल में आया था दूध दही मक्खन खाने के लिए, मक्खन का भोग लगाया नहीं, मौसी सल्फास जहर लेकर के आ गई है और जहर पान करने की आदत तो महादेव को है। शायद भगवान ने नेत्र बंद करके भगवान शंकर का आह्वान किया होगा, इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। इसका एक भाव यह भी है, शायद इसलिए भी परमात्मा ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया होगा। उन्होंने भगवान ने जगत को यह शिक्षा दी होगी कि तुम्हारे सामने यदि कोई सुंदर स्त्री आवे तो नेत्र बंद कर लो, सुंदर पुरुष आवे तो आंख बंद करके ये कहो हे परमात्मा
यह स्त्री पुरुष इतने सुंदर हैं तो इनको बनाने वाले ना प्रभु न जाने तू कितना सुंदर होगा। जब तक नेत्र बंद करके ईश्वर का ऐसे धन्यवाद न किया जाएगा तब तक व्यक्ति संसार के इन अपराधों से इन पाप कर्मों से बचेगा नहीं। जगत को यह शिक्षा देने के लिए मेरे भगवान ने अपने नेत्रों को बंद किया। कुछ भी हो अब पुतना को देख करके भगवान ने आंख बंद करी। परमात्मा को इसने उठाया और अपनी छाती से लगाया। सुखदेव स्वामी सावधान करते हैं, हे परीक्षित, मेरे भगवान ने सबसे पहले इसको विष को खींचा। परमात्मा कृपा करते हैं तब उनकी बुराइयों के विष को छीण करते हैं। फिर ठाकुर जी ने इसके प्राणों को खींचना शुरू किया। जैसे ही प्राण खींचना शुरू किया तो समंच मंचाल मतलब प्रभाषिणी निस्पिट मानाखल जीव मर्मणि विवृत्त नेत्रे चढ़ो भजो मुहु प्रसन्न गात्रा छिपतो रुरोध। पूतना बड़ी जोर से रोने लगी और कहने लगी, समंच अरे बालक छोड़ छोड़ छोड़। परमात्मा कहना चाहते हैं कि पहले जल्दी पकड़ता नहीं और जिसको मैंने पकड़ लिया है बिना कृपा के मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। संसारी और ईश्वर में यही तो अंतर है। स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोग पकड़े रहते हैं, स्वार्थ पूरा होता है तो छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा भगवान है दयालु, ऐसा परमात्मा है जिसको किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है और वो जीव का कल्याण ही करता है। परमात्मा ने उसके प्राण ले लिए। सोचने लगी क्या करूं, अंबर आकाश की तरफ उड़ी भी थोड़ी देर तक। भगवान ने प्राण जैसे ही खींचे धड़ाम से पूतना वृक्षों के ऊपर गिरी और इसके प्राण निकल गए। ब्रजवासियों ने पेड़ों में आग लगाई, दुदगति हुई, पूतना का शरीर जल करके राख हो गया। ऐसा ये भागवत में लिखा हुआ है।